मेरे पीछे ये जो लैंडस्लाइड आप देख रहे हैं, ये 4.5 करोड़ साल से लेकर 5 करोड़ साल पहले हुई एक टक्कर का नतीजा है। ये टक्कर थी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट की यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के साथ। इसी टक्कर की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ और तिब्बत का पठार बना, और ये टक्कर आज भी जारी है। आज भी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट जो है वो यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट को धकेलती हुई जा रही है। इसकी वजह से हिमालय की चोटियाँ और भी ऊँची हो रही हैं, और हिमालय के ये जो फॉल्ट लाइन वाला इलाका है, इस इलाके में बहुत जगहों पर भूस्खलन भी होता है। कुछ साल पहले यहाँ कुछ भारतीय वैज्ञानिक आए थे, जिन्होंने यहाँ से सैंपल जुटाए। इस इलाके में कई जगहों पर ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं जिनकी मदद से ये टेक्टोनिक शिफ्ट जो है उसको दर्ज किया जाता है, उस मूवमेंट को दर्ज किया जाता है। उन वैज्ञानिकों से मेरी बात हुई, क्या थी वो बातचीत, उन्होंने क्या क्या बताया, यही जानेंगे पिन एंड पोस्ट के इस वीडियो में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ओंकार। भारत के नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के ये दो वैज्ञानिक साल में एक बार फील्ड स्टडी के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं। शुभम सिंह और वाई श्रीनु यहां लगाए गए 200 सेंसरों का डेटा जुटाएंगे। एक्चुअल में अभी हम जिस लोकेशन में हैं, ये लोहार खेत एक जगह आता है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड इंडिया में। यहाँ पे हमारे ज्योलॉजी के हिसाब से देखें तो एक फॉल्ट लाइन जा रहा है, और इस फॉल्ट लाइन का जन्म आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले इस टक्कर से हुआ। भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट की इस टक्कर से टिथे सागर की जगह धरती की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय का निर्माण हुआ। North of the 2900 kilometer Himalayan plate boundary. However, the historical earthquake record indicates that the largest earthquake... इंडियन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट को हर साल 2 सेंटीमीटर उत्तर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। लगातार चल रहे इस भूगर्भीय संघर्ष के कारण ही हिमालय, तिब्बत और हिंदुकुश का पूरा इलाका बड़े भूकंपों और आए दिन लैंडस्लाइड्स का सामना करता है। अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड में काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है, क्योंकि अर्थक्वेक से क्या है कि अचानक से एनर्जी रिलीज होने से ये सब पृथ्वी या धरती हमारी प्लेट्स हिलने लगी। वो हिलने की वजह से क्या है कि जो भी हमारा लूज सेडिमेंट है उसमें हलचल पैदा हो गया, और वो सडनली वो हमारा मास नीचे की तरफ आने लगेगा। दीज आर द पूरा हिस्टोरिक इवेंट्स, सो इफ वी कैन सी दैट जब प्लेटें अति घर्षण के कारण हलचल नहीं कर पाती तो उनमें तनाव पैदा होने लगता है और देर सवेर प्लेटें टूटने लगती हैं। हिमालयी भूकंप की शुरुआत कुछ इसी तरह होती है। अब तक मिला डेटा बताता है कि 2015 में नेपाल में आए भूकंप ने भूगोल में बड़ा बदलाव किया। रिक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता वाले उस भूकंप ने नेपाल की राजधानी काठमांडू को 2 फुट ऊंचा उठा दिया, लेकिन वो ताकतवर भूकंप यहीं नहीं रुका। उसने काठमांडू को करीब 1.25 मीटर दक्षिण में भारत की तरफ शिफ्ट भी कर दिया। इंडियन प्लेट की डेंसिटी थोड़ा सा यूरेशियन प्लेट से थोड़ा ज्यादा है, जिस वजह से हमारी इंडियन प्लेट में कम हलचल हुई, और ये नेपाल वाला हिस्सा जो यूरेशियन प्लेट में था यहाँ पे शेक ज़्यादा फील किया, इसलिए हमें नेपाल में ज़्यादा इसका लॉस हुआ। लेकिन भारत के मैदान में बसे विशाल शहर भी खतरे की जद में हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम शहर रेत पर टिके हैं। ये जो गंगा यमुना के किनारे जो हमारे शहर बसे हैं, ये हमारे लूज सेडिमेंट के ऊपर, मतलब सैंड रेत के ऊपर है, जिसमें नीचे वाटर भी है, मतलब सैंड के साथ। अगर कभी इसमें साइस्मिक एनर्जी पास होती है तो ये भी पूरा लिक्विड की तरह ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, और अल्टीमेटली ये क्या होगा, फिर ये सेटल होगा, तो यहाँ पे काफ़ी सबसाइड होकर बिल्डिंग वगैरह टूट सकती है। काठमांडू में भी जमीन के नीचे मौजूद रेत और पानी ने लहरदार इफेक्ट पैदा किया। 4-5 सेकंड की भूकंपीय लहरों ने वहां ज्यादातर कमजोर ढांचों को जमींदोज कर दिया। हमारे हिमालय ये अभी भी अपलिफ्टमेंट, मतलब कि ओरोजेनिक स्टेज में, मतलब ये अभी भी हमारा धीरे धीरे उठ रहा है। हिमालय की चोटियों की ऊंचाई आज भी हर साल 2 मिलीमीटर बढ़ रही है,
भूगर्भ और भूगोल का ये रिश्ता आने वाले करोड़ों सालों में पृथ्वी की कैसी नक्काशी करेगा, फिलहाल ये हमारी सोच से परे है। तो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट की टक्कर वाले इलाके से पिन एंड पोस्ट का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए अपनी राय। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, पिन एंड पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हमारी एक नई साथी पूजा ने मेरी मदद की। अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।